यहाँ पर टाइगर से रेडी होने वाले हैं। सब रेडी हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। कान्हा नेशनल पार्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम सफारी करने जा रहे हैं कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा जोन में, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जोन है। टाइगर साइटिंग के चांसेस यहां पर बहुत ज़्यादा हैं। आज हम इस पूरे जंगल को एक्सप्लोर करेंगे। यहां पर टाइगर के साथ साथ और भी कई सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही यूनिक हैं, जिन्हें भी हम यहाँ पर साथ में देखेंगे उनके प्राकृतिक परिवेश में। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व में। We love कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन परमिट बुक करना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से किया जाता है। हमने यहाँ पर ऑलरेडी परमिट बुक कर लिया है। तो टिकट बुक करने के बाद, यही सिंपल सा स्टेप नहीं है, इसके बाद आपको कान्हा नेशनल पार्क के जो मेन ऑफिस है, जैसे कि अभी हमारा जो एंट्री गेट है वो है खटिया गेट, तो खटिया गेट के बाहर इस तरह का ऑफिस बना होता है जो कि है कान्हा नेशनल पार्क का मेन ऑफिस, जहां पर आपको इस टिकट को लेकर आना है जो आपने ऑनलाइन बुक किया है, और यहां पर वेरीफाई कराना है उसको। और वेरीफाई कराने के बाद आपको यहां पर गाइड और जिप्सी चार्ज एडिशनल देने पड़ते हैं। उसके बाद आपको जिप्सी और गाइड अलॉट की जाती है, किए जाते हैं, और फिर आप जाते हैं सफारी के लिए। जिप्सी और गाइड चार्जेस कितने होते हैं, सफारी का टाइमिंग कितना होता है, कितना टोटल कॉस्ट पड़ता है आपको एक सफारी का, ये सारी जानकारी हम आपको सफारी के दौरान प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए, ये सुबह का नज़ारा है। जब हम सुबह की मॉर्निंग सफारी के लिए जाते हैं तो कुछ इस तरह से कई सारी जिप्सीज आपको एक साथ कतार में नज़र आती हैं। कान्हा और किसली जोन का एंट्री गेट कॉमन ही है, जिसका नाम है खटिया गेट, और अब हमें भी अपने जिप्सी और गाइड अलॉट कर दिए गए हैं। तो अब हम चलेंगे खटिया गेट से होते हुए कान्हा जोन के लिए। अभी यहाँ पर कुछ ही देर के अंदर जो रास्ते हैं वो डिवाइड होंगे, एक जाएगा कान्हा की तरफ, एक जाएगा किसली की तरफ, और एक जाएगा खटिया गेट की तरफ। तो आज हम ये जिप्सी सफारी अकेले ही नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ काफ़ी सारे मेम्बर्स हैं। हमारे साथ भैया हैं जो कि नीदरलैंड से आए हैं, फॉरेनर हैं, और अंकल हमारे साथ फोटोग्राफर हैं, और यहाँ भैया भी हैं साथ में। तो अभी हम सब मिलकर एंजॉय करने जा रहे हैं कान्हा नेशनल पार्क की सफारी। वेलकम टू कान्हा नेशनल पार्क। मेरा नाम रोहित कुमार ध्रुवे है, मैं पार्क गाइड हूँ आपका। और हम लोगों का आज जो है कान्हा जोन है, कान्हा जोन के एरिया जितने आते हैं उसमें सफारी करेंगे, जो भी एनिमल्स है जंगल के अंदर में उसको सर्च करने का कोशिश करेंगे। और पार्क का जो टोटल एरिया है अबाउट 2000 स्क्वायर किलोमीटर का, लेकिन इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, कोर एंड बफर। कोर का एरिया जो है 9917 स्क्वायर किलोमीटर का है, बफर 1134 स्क्वायर किलोमीटर का है। और उसमें से क्या है, कोर एरिया 1970 स्क्वायर किलोमीटर में केवल 20% एरिया टूरिज्म जोन है, उसको चार जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और यहाँ वैसे मेमल्स जो हैं 43 वेराइटीज ऑफ मेमल है, बट कान्हा वैसे सतपुड़ा रेंज में आता है, ये सतपुड़ा वैली में है। ये यहाँ पे भालू नज़र आ रहा है रोड पे चलता हुआ, भालू। हाँ, कितना शानदार सीन है भालू का। ये भालू आ रहा है कान्हा नेशनल पार्क के अंदर, हम भालू को स्पॉट कर रहे हैं, काफ़ी दूर से देख रहे हैं। ये देखिए काफ़ी दूर है, वो इधर ही आता जा रहा है रोड पर, पास आता जा रहा है। उधर जा रहा है सामने भालू, सीधा जाता जा रहा है। बहुत रेयरली दिखाई देते हैं भालू जंगल में, और हम ये आसानी से देख पा रहे हैं हमारे सामने किसी का। जंगल में अंदर जाता जा रहा है, टाइगर भी है वैसे तो। भालू पे साइटिंग भी कम हो रहा है। हाँ, भालू बहुत रेयरली दिखता है।
टाइगर को कैसे ढूंढेंगे हम लोग? जंगल में टाइगर ढूंढने के लिए वैसे दो तीन रीजन होते हैं, फुटप्रिंट देख करके उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने टाइम पहले का फुटप्रिंट है, लेफ्ट या राइट में क्रॉस किया है या आगे गया है। अच्छा। उसके साथ में क्या है, कुछ ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो उसको सर्च करने के बाद में अलार्म कॉल वगैरह करते हैं, या इसका स्मेल लेने के बाद भी अलार्म कॉल होता है, जैसे लंगूर मंकी हो गया, सामर डियर, स्पॉटेड डियर, बारह सिंघा, इनकी कॉल के ऊपर डिपेंड भी होता है बहुत। लगभग मॉर्निंग का सफारी जो रहता है 60-65 समथिंग का होता है, अप डाउन दोनों। आना जाना? हाँ जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइगर के पग मार्क्स यहाँ पर जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से चलते हुए वो गया है। जंगल सफारी का एक बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस ये होता है कि आपको जंगल में ढूंढना पड़ता है वाइल्ड एनिमल्स को और फिर देखना पड़ता है। ये डिफरेंस करता है जंगल सफारी को एक जू और एक बायोलॉजिकल पार्क से, क्योंकि यहाँ पर एक्साइटमेंट होती है आपको कि आप पूरे जंगल में हैं, आपको टाइगर की लोकेशन या फिर किसी भी वाइल्ड एनिमल की लोकेशन का कोई आइडिया नहीं है, आपको ढूंढना है उनकी आवाज़ों को सुनकर, उनके पैरों के निशानों को देखकर, ढूंढकर देखना बहुत बड़ी बात होती है। बारहसिंघा केवल यहाँ एमपी में कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये क्या है, बारहसिंघा का सब स्पीसीज है ये, इसको बोलते हैं हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा। और इनका नंबर जो है ना, एक समय ऐसा था जो एक्सटेंड स्थिति में थे ये, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर में अच्छा वर्क किया, इनके लिए ब्रीडिंग फेंस तैयार किए, जो बचे हुए थे उनको इंक्लोजर के अंदर रखे। उसके बाद में धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन अच्छी इंक्रीज हुआ है। अभी करेंट टाइम में जो है इनका नंबर अबाउट 700-800 समथिंग है। ये एमपी का स्टार एनिमल है, स्टेट एनिमल है। स्टेट एनिमल, राज्य पशु। अच्छा, एमपी का स्टेट एनिमल बारहसिंघा है। बारहसिंघा है, अच्छा। और सर, ये सांभर डियर से कैसे अलग होता है? सांभर डियर एक्चुअल क्या है, लार्जेस्ट डियर ऑफ डियर फैमिली है वो। अच्छा। उसका कलर जो है डार्क ग्रे कलर का दिखता है, ये लाइट ब्राउन होता है। आगे की और तीन हाथी दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे हम उनके पास जाते जा रहे हैं। ये पेट्रोलिंग की जाती है हाथी पर बैठकर यहाँ कान्हा नेशनल पार्क में। ये तीन हाथी हैं जिनके पास हम जाते जा रहे हैं। पीछे वाला एक मेल हाथी है और उसके आगे वाला भी एक मेल हो सकता है, छोटे दांत दिखाई दे रहे हैं। पीछे वाला तो कन्फर्मली एक मेल हाथी है। इस तरह से पेट्रोलिंग की जाती है कान्हा में। यहाँ पर टाइगर के फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, आगे भी है टाइगर स्क्रैच मार्क। इसके तीन रीजन होते हैं, साइन ऑफ पावर, टेरिटरी मार्क, नेल्स शार्प करने के लिए मार्किंग करता है ये। इस तरह से मतलब टेरिटरी भी मार्क किया, उसका एरिया है ये। हाँ जी। इसमें कोई दूसरा टाइगर नहीं आ सकता? इसमें क्या है, अगर दूसरा टाइगर आ रहा है तो वो भी मार्किंग करेगा, हो सकता है पावरफुल है तो ऊपर साइन करेगा उसका। कान्हा नेशनल पार्क में आप सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को ही नहीं, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। तो बात करते हैं टिकट प्राइजेस के बारे में कि अगर आप कान्हा नेशनल पार्क में सफारी करना चाहते हैं तो कितना टिकट प्राइस होता है। तो यहाँ पर टिकट दो स्टेजेस के अंदर आपको बुक करना पड़ता है। सबसे पहले ऑनलाइन परमिट बुक करना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स होता है। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि कैसे आप बुक कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, सारी जानकारी उसमें दी है। लास्ट में मैं आपको एक बार वापस बता दूंगा इस बारे में। लेकिन जो टोटल चार्ज पड़ता है एक आदमी का, वो पड़ता है 1000 रुपये के आसपास, यानी कि 1000 रुपये एक आदमी का पड़ता है अगर आप सफारी करना चाहते हैं। वैसे पूरी कंप्लीट जिप्सी का जो चार्ज होता है वो होता है 3600 रुपीज़, इंक्लूडिंग जिप्सी,
एंड गाइड, लेकिन परमिट चार्ज अलग होता है पूरे 6 जनों का। कुल मिला के 6,000 रुपये के समथिंग पूरी जिप्सी का चार्ज होता है, यानी कि 6 जनों का अगर आपको बुक करनी है जिप्सी तो 6,000 रुपये लगेंगे। तो पर हेड अगर आप देखा जाए तो 1,000 रुपये पर पर्सन का चार्ज लगता है अगर कान्हा नेशनल पार्क में आप सफारी करना चाहते हैं। अब बात करते हैं टाइमिंग की, तो सुबह का टाइमिंग और शाम के टाइमिंग, यहाँ पर 2 टाइम पर सफारी होती है। एक नाइट सफारी होती है उसका भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन जो सुबह की सफारी होती है वो ज़्यादा ड्यूरेशन की होती है, लगभग 5 घंटे की। सुबह ये 6:30 बजे चालू हो जाती है और ये चलती है 11:30 बजे तक, तो ये 5 घंटे का टाइम स्लॉट होता है। और शाम की सफारी होती है 2.5 से 3 घंटे की सिर्फ। तो अगर आप सुबह की सफारी करते हैं तो आपको जंगल में ज़्यादा टाइम बिताने का मौका मिलता है, जबकि अगर आप शाम की सफारी करते हैं तो थोड़ा टाइम कम होता है, लेकिन चार्जेस दोनों के सेम है। तो प्रेफर रहेगा कि आप सुबह की करें, सुबह के टाइम पे एनिमल्स के दिखने के चांसेस भी अच्छे होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो मूवमेंट है वो अच्छा दिख जाता है। वैसे शाम को भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग आपको साइटिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसी के साथ नाइट सफारी के मैं बारे में बात करूं, तो नाइट सफारी होती है बफर जोन में, जो कि 3 घंटे की होती है। शाम को 7:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक नाइट सफारी होती है, और ये नाइट सफारी रात के अंधेरे में होती है। सिर्फ जिप्सी की लाइट में जो आपको दिख जाए वो ही दिखता है। यहाँ पर टाइगर के फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे हैं। तब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं घने जंगल में टाइगर की सर्च में। यहाँ पर टाइगर की कॉल आ चुकी है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर जंगली जानवरों की तरफ से अलार्म कॉल मिल रही है। हम उसी डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं जहाँ पर टाइगर दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। टाइगर्स को हम अलग अलग लैंग्वेजेस में जानते हैं, जैसे कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं बाघ, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रस। ये एक नॉक्टर्नल एनिमल होता है, यानी कि ऐसा जानवर जो कि रात के समय ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि ये कैट फैमिली है, इनकी आँखें रात को ज़्यादा अच्छे से देख पाती हैं। हम इतना अच्छा विज़न नहीं देख पाते रात को, लेकिन टाइगर्स बहुत अच्छे से रात के समय देख सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं कान्हा नेशनल पार्क में, और अभी सनराइज़ हो रहा है क्योंकि हम मॉर्निंग सफारी कर रहे हैं, और काफ़ी सारी जिप्सीज हमारे आगे पीछे सब तरफ से चलती जा रही हैं टाइगर की सर्च में। यहाँ पर टाइगर के पग मार्क्स नज़र आ रहे हैं, ये देखिए नीचे टाइगर चलते हुए गए हैं। तो अभी यहाँ पर टाइगर की कॉल आ चुकी है, हम बहुत जल्दी जल्दी बैक में जा रहे हैं। देखिए गाड़ी हमारी बैक में चलती जा रही है और हम टाइगर की डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं, क्योंकि पीछे की साइड टाइगर के दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। वहाँ पर हम कुछ ही देर में टाइगर को देख सकते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ पर टाइगर साइटिंग हो रही है, टाइगर साइटिंग हो रही है यहाँ पर। भाग के गया, अभी टाइगर अंदर झाड़ी के अंदर भाग के गया, हम फॉलो करते हुए जाएंगे उसे। बहुत ही एक्साइटमेंट लग रहा है, कान्हा के अंदर हम टाइगर साइटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर की तरफ भागते हुए चला गया, इधर की तरफ है, इधर चल रहा है। काफी सारी जिप्सीज लग चुकी है एक साथ, हम भी यहाँ पर टाइगर साइटिंग कर
बंदर गया आखिरकार दिखा, उधर दिख रहा है उन लोगों को आगे की साइड टाइगर दिख रहा है, आगे वो बुला रहे हैं वो जिप्सीज में आगे दिख रहा है, उन लोगों को दिख रहा है बुला रहे थे। अभी जो निकली थी वो फीमेल थी कि मेल था? फीमेल फीमेल अच्छा। कई सारे स्पॉटेड डियर्स और मंकीज साथ में, उनके मंकीज एंड स्पॉटेड डियर दोनों साथ में दोस्त होते हैं एक दूसरे के। ये यहाँ पर रोड क्रॉस करते हुए काफ़ी सारे डियर्स, पास में भी काफ़ी सारे डियर्स हैं स्पॉटेड डियर्स। ये सारे हिरन अलर्ट हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर टाइगर की वार्निंग कॉल आ चुकी है। टाइगर हो सकता है यहाँ पर इस घास में कहीं, ये ग्रासलैंड एरिया है, मे बी टाइगर यहाँ कहीं दिखाई दे। सर काना में कितने नंबर के टाइगर हैं, मतलब अगर गिनती देखी जाए तो? ऐसे कोड जो दिया है जी 122 तक के। 122। काना नेशनल पार्क में कुछ ऐसे वेराइटीज़ के वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, यानी कि वो बहुत कम रेयरली ही कहीं पाए जाते हैं और कुछ ही अमाउंट उनका बचा हुआ है जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बारहसिंगा पाए जाते हैं। वर्ल्ड में एकमात्र काना ही ऐसी जगह है जहाँ पर आप बारहसिंगा को नेचुरल हैबिटेट्स में देख सकते हैं। बारहसिंगा, इसी के साथ यहाँ पर वाइल्ड डॉग्स को आप देख सकते हैं जो जंगली कुत्ते होते हैं, वो बहुत ज़्यादा भीड़ में रहते हैं, मतलब झुंड में रहते हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। अगर ये किसी पर अटैक करते हैं तो वो उसको छोड़ते नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं। इसी के साथ यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, जो यहाँ का इकोसिस्टम है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही डेंस है। तो हमारे साथ एक सर हैं जो कि नेदरलैंड से हैं, उनसे थोड़ा जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। सर व्हाट्स योर नेम? टीमो। ओके सर, गुड नेम। इन व्हिच कंट्री फ्रॉम यू बिलोंग? नेदरलैंड्स, लाइक यू सेड। या यू ट्रैवल सोलो? यस। एंड बिफोर दैट द सफारी, यू डिड एनी ऑफ देम? रणथंभौर सफारी। रणथंभौर सफारी। यू केम इन इंडिया अलोन फॉर दिस सफारी? नो, आई एम ट्रैवलिंग फॉर 2 मंथ्स। तो अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ सर के साथ, थोड़ा सा सिली भी हो सकता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सर आर यू फीलिंग एनी फियर इन दिस ओपन जिप्सी? बिकॉज सम पीपल थिंक दैट वी आर इन ओपन जिप्सी, देयर इज़ द टाइगर इन द फॉरेस्ट, इज़ इट अटैक और समथिंग, इज़ इट डेंजरस फॉर द टूरिस्ट? मीन्स सर को तो डर नहीं लग रहा है, इसका एक कारण ये भी हो सकता है जब तक हम टाइगर या किसी भी वाइल्ड एनिमल को डिस्टर्ब ना करें वो हम पर अटैक नहीं करते। ये जो आप फेंसिंग देख रहे हैं काना नेशनल पार्क के अंदर, ये फेंसिंग एक टाइम पर जब बारहसिंगा एंडेंजर्ड कंडीशन में थे, बहुत कम अमाउंट में रह गए थे, तो उनको बचाने के लिए इस तरह की फेंसिंग लगाई गई थी ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। काना नेशनल पार्क की सबसे खूबसूरत प्लेस होती हैं ग्रासलैंड्स, बिकॉज यहाँ पर साइटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप दूर दूर तक आसानी से देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट टाइम के बारे में कि कब आपको काना नेशनल पार्क में विज़िट करना चाहिए। अगर आपको नेचुरल ब्यूटी देखनी है, बहुत ही खूबसूरत सा जंगल देखना है, काना नेशनल पार्क को पूरी तरह एक्सप्लोर करना है, तो आपका बेस्ट टाइम रहेगा अक्टूबर से मार्च का, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रीनरी रहती है और आपको ये फॉरेस्ट बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। लेकिन अगर साइटिंग की बात करें कि अगर आपको टाइगर अच्छे से दिखाई दे, आपको अदर वाइल्ड एनिमल्स अच्छे से दिखाई दें, तो गर्मियों का सीज़न बेस्ट होता है। भले गर्मी में आपको थोड़ी गर्मी लग सकती है लेकिन आपको वाइल्ड एनिमल्स बहुत अच्छे नज़र आएंगे, क्योंकि इसका कारण है यहाँ पर अभी आप देखिए ये पीछे पूरा घना जंगल चल रहा है और यहाँ पीछे की भी तरफ देखेंगे तो पूरे पेड़ ही पेड़ हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है। और अगर हरियाली के पीछे कोई वाइल्ड एनिमल होगा तो वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर जब ये पूरा सूख जाएगा या फिर
यहाँ दूर दूर तक आपको दिखाई देने लगेगा। तो वाइल्ड एनिमल्स आपको दूर भी होगा तो आराम से दिखाई दे जाएगा। इस वजह से गर्मियों का सीज़न बेस्ट होता है। और इसी के साथ गर्मियों में क्या है, पानी सूख जाता है हर जगह, कुछ ही पर्टिकुलर लोकेशन पर पानी अवेलेबल होता है। तो वहाँ पर टाइगर या किसी भी अदर टाइप के वाइल्ड एनिमल पानी पीने आते हैं और हमें अच्छे से दिखाई देते हैं। इस तरह से बीच बीच में जिप्सीज मिलती रहती हैं जो कि टाइगर की लोकेशन, स्किन फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देते रहती हैं ताकि हम उस डायरेक्शन में मूव कर सकें। यहाँ पर टाइगर देखने के बहुत चांसेस हैं। देखिए दूसरी जिप्सी भी यहाँ पर आ चुकी है, एक जिप्सी पीछे की ओर जा रही है यहाँ पर और एक आगे खड़ी हुई है जस्ट हमारे आगे, क्योंकि यहाँ पर टाइगर देखने के बहुत चांसेस हैं। यहाँ पर कई सारे मात्रा में स्पॉटेड डियर्स नज़र आ रहे हैं, जिस पेड़ के पीछे काफ़ी सारी मात्रा में स्पॉटेड डियर्स। This is the natural beauty of Kanha National Park which we are seeing now. और यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ इकट्ठा हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर टाइगर के दिखने के चांसेस हो सकते हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क में हम एमपी का स्टेट एनिमल यानी कि बारहसिंगा और भारत का यानी कि इंडिया का नेशनल एनिमल बाघ दोनों एक साथ देख सकते हैं। कान्हा नेशनल पार्क पूरे साल ओपन रहता है सिर्फ मॉनसून सीजन को छोड़कर। जो पीछे फेंस देख रहे हैं आप, ये वो एरिया है जहां पर बारहसिंगा को प्रिजर्व करके रखा जाता है। प्रिजर्व से मतलब यहाँ पर उनको बचाने के लिए जो बाड़े बनाए गए हैं वो बाड़े वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दूर देखेंगे वो जिप्सीज खड़ी हो चुकी हैं, यहाँ पर टाइगर के दिखने की संभावना है। यहाँ पर टाइगर के दिखने की संभावना है। लाइन से जिप्सीज लग चुकी हैं, एक आगे है एक उसके आगे है। यहाँ पीछे भी जिप्सीज आ चुकी हैं, अलार्म कॉल थी यहाँ पर। जिप्सीज पे जिप्सीज आती जा रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ वाइल्ड बोर्स। जो फुल साइज मेल जो रहता है उनके उनके इंसीजर दांत आते हैं। अच्छा, टस्क होता है। ये मेल है नहीं, इसके है ना दांत। अच्छा, दांत ये वाइट कलर के जो कि सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं, उनको आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ वाइल्ड बोर्स हैं और जंगल सफारी के अंदर यहाँ पर मंकीज हैं, यहाँ पर बारहसिंगा हैं और वाइल्ड बोर्स हैं जो कि एक साथ देख सकते हैं। एक वाइल्ड बोर यहाँ पर दूर दिखाई दे रहा है, एक नहीं है दो हैं, दो वाइल्ड बोर, एक और है यहाँ पर, तीसरा भी है थोड़ा दूर, इनसे थोड़ा दूर ये रहा तीसरा वाइल्ड बोर। अब कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग दिखाने जा रहा हूँ। ये जो ग्रासलैंड आप पीछे देख पा रहे हैं, टाइगर एक एम्बुश हंटर होता है यानी कि छिपके शिकार करने वाला। ये जो घास है टाइगर की बहुत मदद करती है शिकार करने में, क्योंकि टाइगर इन घास के पीछे आसानी से छिप जाता है और धीरे धीरे करके शिकार के पास आ जाता है और एकदम से हमला कर देता है। इससे टाइगर को शिकार करने में बहुत आसानी मिलती है। और कान्हा में इस तरह के ग्रासलैंड्स काफ़ी सारे हैं तो टाइगर का ये बहुत अच्छा हैबिटेट है और बड़ी सबसे सुंदर नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की, बहुत खूबसूरत। ये कान्हा वर्ल्ड के फाइनेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में से एक है। वर्ल्ड के पूरे एशिया में पूरा सभी जगह पे सबसे नेचुरल ब्यूटी है इसकी। टाइगर का मूवमेंट है, हम लोग सभी देखते हुए जा रहे हैं क्योंकि पूरे रास्ते पर फुटपाथ से टाइगर के यहाँ पर लाइन से गाड़ियाँ लग चुकी हैं।
स्पॉटेड डियर्स ही स्पॉटेड डियर्स हैं बहुत सारी मात्रा में। कान्हा नेशनल पार्क के अंदर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहूँगा। एक डोर बनाया गया है असली हिरन के सींगों का, ये एंटलर्स हैं जो स्पॉटेड डियर्स होते हैं, जो चीतल होते हैं उनके, ये कई सारे जो हजारों की मात्रा में असली सींग हैं इनको लगा करके यहाँ पर इस तरह का दरवाज़ा बनाया गया है। हर साल इनके सींग गिर जाते हैं तो उनको इकट्ठा कर करके इस तरह का दरवाज़ा बनाया गया है। ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये एक्चुअल में जो सींग होते हैं हिरन के वो यहाँ पर इस तरह से डोर के रूप में सजाए गए हैं। अब हम कान्हा नेशनल पार्क के अंदर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर आप वापस से जिप्सी से नीचे उतर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां पर आप उतर सकते हैं, ये रेस्टिंग पॉइंट है। यहां पर वॉशरूम्स की सुविधा है, यहां पर कैंटीन बने हुए हैं और यहां पर इस तरह से आप देखेंगे ये जो हट्स नज़र आ रहे हैं ये म्यूज़ियम है। यहां पर अलग अलग तरह के जो कान्हा नेशनल पार्क से रिलेटेड चीज़ें हैं वो रखी गई हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर कुछ झांकियाँ भी बनाई गई हैं जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स बारिश के दौरान किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये पूरी बारिश का सीन है और वाइल्ड एनिमल्स इस बारिश का सामना करते हुए दिखाए गए हैं। ये पूरा पहाड़ का सीन बनाया गया है यहाँ। सो बहुत खूबसूरत सा सीन है टाइगर और उसके कब्स का, बहुत ही खूबसूरत सीन। और ये म्यूज़ियम के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ कि आपको कांच का सरफेस मिलेगा, इस तरह से कांच का सरफेस के ऊपर चलकर आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। ये पूरा मैप है उसके ऊपर हम कांच के सरफेस पर चलते हुए जा रहे हैं और यहाँ बना रखे हैं कुछ डिस्क्रिप्शंस जैसे कि मुक्की काना खटिया किसली, ये सभी जोन्स के डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। एक विलेज का सीन बनाया गया है जिसमें कि बारहसिंगा गौर और भी काफ़ी सारे जो ट्राइबल विलेजेस हैं जंगल के बीच में वो दर्शाए गए हैं। और एक फैसिलिटी और दी गई है यहाँ पर कि आपको इस तरह का एक छोटा सा सिनेमा हॉल दिया गया है जिसमें कि कान्हा के बारे में जो डॉक्यूमेंट्री मूवी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैठकर। काफ़ी अच्छा सा सीन है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है किस तरह के रेप्टाइल्स पाए जाते हैं कान्हा के अंदर। ये सभी सांप हैं जो कि यहाँ पाए जाते हैं और ये असली बॉडी है एक मॉनिटर लिजर्ट की। यहाँ पर बर्ड्स के पिक्चर्स दिए गए हैं जो कि कान्हा में पाए जाते हैं। इस म्यूज़ियम में दिखाए गए हैं स्केलेटन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जिन्हें आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं। ये वाइल्ड गोर का स्केलेटन है, यहाँ आगे देखें तो कुछ हिरनों के स्केलेटन हैं और ये हैं टाइगर का स्केलेटन। यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो बॉडीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, फेशियल स्ट्रक्चर्स जो फेस होते हैं और ये सींग भी दर्शाए गए हैं। असली हैं ये सब की जो डेड बॉडीज़ हो जाती हैं उनसे प्रिजर्व करके इन सींगों को रखा गया है। ये वाइल्ड गौर का है, बारहसिंगा का, सांबर डियर का, सभी के स्केलेटन हैं। यहाँ पर कुछ पंजे हैं बर्ड्स के, ये जो उड़ रहे हैं यहाँ पर, ये हैं वल्चर्स। यहाँ पर टर्माइट्स के इस तरह के घर भी बने हुए हैं, टर्माइट यानी कि दीमक के घर बने हुए हैं काफ़ी सारे। कान्हा नेशनल पार्क के अंदर ये जो घर नज़र आ रहे हैं, ये हट्स नज़र आ रहे हैं, ये फॉरेस्ट स्टाफ के रहने के गेस्ट हाउसेज हैं। तो अब हमारी सफारी का समय एंड होने को आया है और जिस गेट से हमने एंट्री किया था जो कि था खटिया गेट, उसी से अब हम बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।
अब जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आप एक साथ देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये है खटिया गेट, जो कि कान्हा, किसली और खटिया तीनों जोन के लिए एक ही कॉमन गेट है। यहीं से ये जिप्सी गाड़ियाँ जाती हैं और यहीं से ये गाड़ियाँ आती हैं। अब यहीं पर बना हुआ है कान्हा जंगल कैंप्स, ये जस्ट जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, हम भी यहीं पर रुके हुए हैं, अगर आप भी चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं। और ये है बोर्डिंग ऑफिस कान्हा नेशनल पार्क का, यानी कि जो आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, जो ऑनलाइन परमिट बुक करते हैं, उसका टिकट कन्फर्मेशन आप यहां से करा सकते हैं। और अगर आप करंट बुकिंग भी करना चाहते हैं तो यहां से होती है करंट बुकिंग। करंट बुकिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले, लेकिन अगर आपके पास लक है, अगर यहां पर सीटें खाली है, तो करंट बुकिंग भी आपको अवेलेबल हो जाती है, तो यहां से आप ले सकते हैं करंट बुकिंग करके टिकट। तो अगर आप कान्हा नेशनल पार्क में विज़िट करना चाहते हैं, यहाँ पर सफारी करना चाहते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आप पहुँच कैसे सकते हैं, कहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको फूड फैसिलिटी अवेलेबल होती है, कैसे आप ऑनलाइन परमिट, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हमने एक सेपरेट वीडियो में दी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो ये थी हमारी सफारी कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा जोन की, हमें काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।